circuit board at the top of the rocket. We have to monitor where it splashes down. After that, all three gantries will have to be disengaged. You'll launch the rocket from the control bunker. Be sure to seal yourself in first, or you'll never survive the blastoff. Once inside, initiate the countdown and trigger the launch before the countdown expires. No backup then? Of course not. Business as usual. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू द फाइनल मिशन ऑफ IGI 2, और इस मिशन का नाम है द लंच पैड। यानी कि इस मिशन में हम लोगों को रॉकेट को मैन्युअली डिस्ट्रॉय करना होगा। ऑब्वियसली रॉकेट लॉन्च होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इधर पे कुछ बंदे हैं, इन लोगों को पहले मार देते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है मिशन, बस तरीका आना चाहिए। चलो, ये अलार्म बजाने भाग रहा था, लेकिन हम लोग इन लोगों को ढेर कर दिया है एकदम। उधर टनल से कुछ बंदे आ रहे हैं, तो इन लोगों को मार देता हुआ स्नाइपर से। बहुत ही घटिया स्नाइपर है ये, इसका जूम तो नहीं है, एकदम ही नहीं है जूम। रेंज भी कुछ खास नहीं है इसका। बस एक इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसका मैगज़ीन बहुत बड़ा है, एक साथ में एकदम 50 बुलेट आता है। तो ठीक है, छोटा मोटा रेंज के लिए चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए बहुत ही घटिया स्नाइपर है ये। वो टावर के ऊपर दो बंदा है, लोगों को मार देता हूँ। चलो, एक बार में एक ख़त्म, और एक है उधर। तो पिछले मिशन में मैंने क्या किया था कि मैं रॉकेट में एक रॉकेट का जो फ्लाइट पाथ है उनको मतलब छेड़छाड़ किया था, और इस मिशन में हम रॉकेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। रॉकेट को लॉन्च करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका फ्लाइट पाथ को चेंज कर दिए थे। तो खुद ही किसी जगह पर जाके गिर जाएगा, तो ठीक ही है। और हम वो MP चिप निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, और एक ये मर गया है। हाँ, तो मैं जो बता रहा था आपको कि ये मिशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक ही है, बट तरीका आना चाहिए। तरीका आएगा तो एकदम इजी है आपके लिए ये मिशन। तो गेट ओपन हो गया है। चलो, अभी हम लोग रॉकेट के बेस में कुछ बंदे हैं, पेट्रोलिंग कर रहा है, उन लोगों को मार देता हूँ। पहले ये एक खड़ा है, इसको मार देता हूँ पहले। चलो, एक शॉट में ही ख़त्म। और एक दो बंदा है इधर पे, लोगों को मार देंगे। वो पेट्रोलिंग कर रहा है एक। चलो, मर जा भाई। चलो, ख़त्म हो गया। अभी इस टनल के अंदर चलते हैं। सामने एक टैंक है, इस टैंक को पहले ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे RPG से, नहीं तो बाद में ये दिक्कत खड़ा कर सकता है हमारे लिए। तो टैंक का काम तो तमाम हो गया, फिर से स्नाइपर उठा लेते हैं और चलते हैं आगे। तो हमारा दो गेम का सीरीज़ एकदम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट IGI और प्रोजेक्ट IGI 2। अगर आपने अभी तक प्रोजेक्ट IGI का सीरीज़ नहीं देखा है, तो जाइए मेरे चैनल में, विज़िट कीजिए, और उधर पे मिलेगा आप लोगों को। प्रोजेक्ट IGI का जो लास्ट मिशन था, क्या था, फाइंडिंग द बॉम्ब, वो तो मतलब बहुत मुश्किल मिशन है, बहुत मुश्किल, मतलब IGI सीरीज़ का शायद सबसे मुश्किल मिशन होगा वो। उसके कंपैरिजन में ये मिशन कुछ भी नहीं, मुझे तो बहुत इजी लगता है। इससे वो वाला मिशन, वो क्या था, सीक्रेट वेपन्स लैब, वो बहुत हार्ड था इस मिशन से। इसका पहला वाला मिशन तो और भी ईजी था। तो इधर पर 4-5 बंदा होगा, इसको तो मार दिया हमने। अभी इस रूम के अंदर एक है, चलो इसका भी काम तमाम। तो रॉकेट को छोड़ने के लिए पहले तो हम लोगों को रॉकेट में फ्यूल पंप करना होगा। तो ये है फ्यूल टैंकर,
लास्ट रॉकेट में हम लोग अब रॉकेट में फ्यूल भरेंगे, तो ये बंदे का काम तो तमाम। अभी गेट ओपन करके फ्यूल पंप को चालू कर देते हैं। चलो गेट तो ओपन हो गया है, अभी चलते हैं अंदर। और एक बंदा है, हाँ ये पेट्रोलिंग कर रहा है, इनको मार देंगे। उसके बाद हम लोग दो फ्यूल पंप है, दोनों को चालू करेंगे। चलो इसका भी काम तमाम, अभी चालू करते हैं फ्यूल पंप को। ये एक पंप चालू हो गया है, अभी दूसरे को चालू करते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वन कंप्लीट। अभी हम लोग जाएंगे सीधा रॉकेट में, मतलब रॉकेट वाले टावर में घुसेंगे, उधर से बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट करेंगे। ओके इधर पे एक बंदा है अभी तक, इसको पहले ये हमने मार दिया इसको। चलो अभी शायद कोई नहीं है इधर पे, नहीं और कोई भी नहीं है, सब लोगों का काम एकदम तमाम। तो चलो अभी चलते हैं टावर के ऊपर और बाकी का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट करते हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा ये IGA2 का सीरीज, कमेंट में बताना। मेरा सिर्फ वो एक ही मिशन में दिक्कत हुआ था, वो सीक्रेट वेपन्स लैब वाला मिशन। ये वाला मिशन तो बहुत ही ईजी है। खैर छोटो स्नाइपर का कोई काम नहीं है हमारा, तो ये वाला स्नाइपर ही रख लेते हैं। ये हम लोग रॉकेट में कुछ काम कर रहे हैं, तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट, जिससे कि रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाए, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी रॉकेट का जो सपोर्टिंग जो आर्म है उसको हटाना पड़ेगा। तीन आर्म है ये इस तरह का, तीनों को ही हटाना पड़ेगा। और नीचे हेलीकॉप्टर आ चुका है, वो हेलीकॉप्टर से कुछ बंदे उतर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं मारेंगे उनको, कोई पंगा नहीं लेंगे उन लोगों से। हम लोग, मैं एक जगह दिखाता हूँ, उस जगह से हम लोग निकल जाएंगे। वो लोग हमें देखेगा भी नहीं, बस थोड़ा सा फास्ट खंड खेलना पड़ेगा इधर पे। चलो तीन आर्म हो गया हमारा कंप्लीट। अभी एकदम हम ऊपर जाएंगे, एकदम एक जिप लाइन है, उस जिप लाइन के रस्सी के मदद से हम लोग नीचे चले जाएंगे, तो ये बंदे लोग हमको नहीं देखेगा। नहीं तो अगर सीढ़ी से उतरेंगे तो एकदम सामने आ जाएगा हमारा, तो लाइफ लॉस तो होगा ही ऑब्वियसली। ये है जिप लाइन, अब हम इससे जाएंगे। चलो तो हम लोग एकदम ऊपर से निकल लिए हैं, वो लोग वो नीचे घूम रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं किधर है किधर है, बट हम लोग तो साइड से निकल लिए हैं। चलो अभी हमारा मिशन का एकदम आखिरी स्टेज में, अब हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे, मैनुअली लॉन्च करेंगे। इसके लिए हमें वो बंकर के अंदर चलना पड़ेगा पहले। तो अभी कुछ खास नहीं है इस मिशन में, एकदम ईजी है, बस लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना वीडियो को स्किप मत करना, देखना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बस ग्रेनेड रखना साथ में, मेरे पास तो 3 ग्रेनेड्स है, तो मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रेनेड को ख़त्म मत करना, एक ग्रेनेड से ही चल जाएगा। तो अभी हम इस बंकर के अंदर घुसेंगे, इसके अंदर शायद 3-4 बंदा होगा, उन लोगों को मारेंगे, फिर रॉकेट को लॉन्च करेंगे मैनुअली। और दोस्तों इस IGA2 तो ख़त्म हो गया,
तो इसके बाद आएगा फार क्राई 3 का वीडियो आएगा, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल और वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इससे थोड़ा मेरा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अभी इधर पे कुछ बंदे हैं, ये एक है, इसको मार दिया हमने, और कुछ आ रहे हैं, चलो ये भी ख़त्म, और दो बंदे हैं शायद, ये एक गया और एक है, हाँ ये वाला, चलो सब लोग ख़त्म। अभी ये वाला थोड़ा ट्रिकी है ये पार्ट, ये जो शीशे का जो दीवार है इसको पहले उड़ा देते हैं, उसके बाद हाथ में एकदम ग्रेनेड रखना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारा बंदा आएगा ये रेड वाला बटन प्रेस करने के बाद। वो देखिए आ रहा है, अभी ग्रेनेड से इनको उड़ा देंगे। चलो मिशन कंप्लीट, सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। ये हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, अभी देखना आनी आएगा और आईबीए का बाकी टीम भी आएगा। तो गाइस स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड बाय बाय। I wondered who was making such a racket. What would I do without you, Anya? Someone's gotta take care of you.